So, left student, come to the class after break. So, post break, let's start our session. तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज है, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। अब सवाल ये है कि आप एक अधिकारी की तरह, एक बीपीएससी या बिहार सर्विसेज के अधिकारी की तरह, आप कौन कौन सा रणनीति अपनाएंगे ताकि बिहार का विकास हो सके। और इसके लिए एक कारक आपका कृषि क्षेत्र भी है, मत्स्य पालन भी है, आपका पशुधन भी है। तो तय बात तय होता है कि अब हम लोग कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दें। लेकिन सवाल उठता है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दें तो ये निष्कर्ष पे आप कैसे निकलेंगे, और किसी क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो कौन कौन से रणनीति पे हम लोग को केंद्रित होना पड़ेगा, विच एरिया वी हैव टू डेवलप। तो ऐसे स्थिति में चलिए हम लोग बिहार को थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से भी देखते हैं। लेट्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो टू सी, ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स इन बिहार। इसको जरा हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये पृथ्वी है, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तर, जिसको कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये है आपका मकर रेखा, मकर रेखा जिसको कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिण। ये कुछ मुख्य अक्षांशीय रेखा है, दे आर सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडल पॉइंट्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को बिहार के जो है दृष्टि को समझने के लिए, बिहार में परेशानी जो आपकी चुनौतियां हैं उसको देखने के लिए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग को मदद लेना होगा। तो देखा जाए, इस क्षेत्र को आप देखिए, इस क्षेत्र को आप देखिए, इसको जूम कर देते हैं। और ये जूम करने से देखिए ये है भारत, और भारत से यहां आपका कर्क रेखा गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपका बिहार जो है ये कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर उत्तर में स्थित है। तो बिहार को अक्षांश के आधार पर, जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर, उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बिहार को हम लोग सब ट्रॉपिकल टेम्परेट
जोन में मानते हैं, यानी जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर यदि बिहार को आप परिभाषित करें तो इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन। इसको हिंदी में शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र और उपोषण अंचल, यानी जलवायु के क्षेत्र के आधार पे यदि बिहार को आप परिभाषित करेंगे तो बिहार जो है शीतोष्ण क्षेत्र और उपोषण अंचल में के द्वारा, उपोषण अंचल के द्वारा यहां के जलवायु को परिभाषित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि शीतोष्ण क्षेत्र और उपोषण अंचल के आधार पर आप सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के आधार पर बिहार में ये कह सकते हैं कि यहां पे अत्यधिक गर्मी, यहां गर्मी हॉट क्लाइमेट और बारिश होती है, और जहां सर्दी का मौसम होता है यहां पे कम होता है। तो ये बिहार की जलवायु को आप डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, तो बिहार को आप अक्षांश और देशांतर के रूप में भी इसके स्थिति को आपको परिभाषित करना है। यू हैव टू गिव एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे ये बिहार का मैप है, और अक्षांश के आधार पर ये 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर, 27 डिग्री 31 मिनट्स नॉर्थ से लेके ये 24 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ, यानी अक्षांश या लैटिट्यूड के आधार पर बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ उत्तर से लेके 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर तक रहता है, और देशांतर के आधार पर ये जो है आपका लैटिट्यूडनल पोजीशन है, ये आपका अक्षांशीय जो है, ये आपका अक्षांशीय स्थिति है। देशांतर के आधार पर, यानी देशांतर के आधार पर बिहार जो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट या पूर्व, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट या पूर्व, ये आपका 88 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट, 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर में रहता है। तो दूसरा जो है आपको बिहार को परिभाषित करना है इसके अक्षांश और देशांतर के आधार पर। इफ यू विल डिस्क्राइब बिहार इन टर्म्स ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन, तो एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि आप बिहार की स्थिति को उसके अक्षांश और देशांतर के आधार पर यहां के जलवायु को आप सही रूप से विवरण दे दिए हैं। मींस यू हैव टू यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ बिहार, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ बिहार। अक्षांश और देशांतर के आधार पे बिहार के जलवायु को आपको परिभाषित करना है, और वो है आपका उपोषण क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र और उपोषण अंचल। याद रखिएगा ये शब्द शीतोष्ण क्षेत्र और उपोषण अंचल, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन। अब चलते हैं हम लोग दूसरे इस पे। अब देखिए भौगोलिक रूप से हम लोग बिहार की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक भौगोलिक रूप से हम लोग बिहार की स्थिति को नहीं समझेंगे, हम लोग जो है बिहार के चुनौती को, चैलेंजेस को, परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, और यदि आप परेशानी नहीं समझेंगे तो आप समाधान नहीं दे सकते हैं। तो लेट मी जूम, ये हमको मैप को जूम करने दीजिए, है ना।
देखिए ये है बिहार का मैप। इस तरह से गंगा जो है, इस तरह से जो गंगा है बिहार को दो भागों में बांट रही है। गंगा के उत्तर में है आपका उत्तरी बिहार या नॉर्थ बिहार, और गंगा के दक्षिण में है आपका दक्षिण बिहार या साउथ बिहार। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि उत्तरी बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं। हम लोग जो नदी तंत्र का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस कॉन्सेप्ट को भी यहां पे लगाना है। तो उत्तरी बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां जो हैं हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, और दक्षिण बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो आपके मध्य भारत से, सेंट्रल इंडिया से निकली हुई नदियां हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि उत्तरी बिहार, चूंकि हमेशा यहां पानी, नदी जो है सदा नीला रहती है, पूरे साल नदी में जल रहता है, और बारिश के मौसम में यहां बाढ़ जो है आता है, तो आप उत्तरी बिहार को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उत्तरी बिहार को ये कह सकते हैं कि उत्तरी बिहार जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। आप जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो शब्द है उत्तरी बिहार बाढ़ प्रवण क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ बिहार इज फ्लड प्रोन एरिया, यानी बाढ़ प्रवण या फ्लड प्रोन एरिया, और दक्षिण बिहार जो है ये है ड्रॉट प्रोन एरिया या सूखा प्रवण क्षेत्र। तो आप सूखा क्षेत्र नहीं बोलेंगे, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र नहीं बोलेंगे, ये गलत शब्द है। आप इस्तेमाल करेंगे सूखा प्रवण क्षेत्र या बाढ़ प्रवण क्षेत्र, फ्लड प्रोन एरिया या ड्रॉट प्रोन एरिया। तो दूसरी जो अंतर है उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार में कि उत्तरी बिहार बाढ़ प्रवण क्षेत्र, फ्लड प्रोन एरिया है, और दक्षिण बिहार जो है सूखा प्रवण क्षेत्र है या ड्रॉट प्रोन एरिया है। तीसरा जो अंतर आप देखेंगे कि उत्तर बिहार का जो आबादी, जनसंख्या का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर इन नॉर्थ बिहार देन इन साउथ बिहार, मींस जनसंख्या का घनत्व उत्तरी बिहार में ज्यादा है दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार के तुलना में दक्षिण बिहार में जनसंख्या का घनत्व कम है। चौथा अंतर आप देखेंगे कि उत्तरी बिहार में जो मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियां हैं वो कृषि आधारित है। मुख्य रूप से यहां पे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उत्तरी बिहार में, और दक्षिण बिहार में जो मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं वो कृषि और औद्योगिक दोनों है। बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बोथ आर बीइंग कैरिड आउट इन साउथ बिहार। तो भौगोलिक रूप से आप बिहार को इसके अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड के आधार पे बिहार को परिभाषित करेंगे, इसकी स्थिति को बताएंगे, और फिर इसके जलवायु को आप नाम देंगे। यू हैव टू डिफाइन द क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन, शीतोष्ण क्षेत्र, उपोषण अंचल, इस तरह से आप क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। फिर आप बताएंगे कि जो गंगा जो है बिहार को दो बराबर भागों, नहीं दो भाग में बांटती है। उत्तरी गंगा की मैदान जो है, उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यहां पे जितनी भी नदियां हैं हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, यहां का मुख्य आर्थिक व्यवस्था कृषि ही है, यहां पे जनसंख्या घनत्व दक्षिण बिहार के तुलना में बहुत ज्यादा घना है, इट इज मोर पॉपुलेशन डेंस एरिया कंपेयर टू साउथ बिहार, दक्षिण बिहार जो है सूखा प्रवण क्षेत्र है, ड्रॉट प्रोन एरिया है,
यहां की नदियां जो हैं, इट सोर्स इटसेल्फ फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत से आई हुई यहां पे नदियां आपको मिलेगी मुख्यतः, और यहां पे कृषि और औद्योगिक दोनों गतिविधियां आपको मिलती है। इसी के आधार पर ये जो हम लोग अंतर बात किए हैं, इसी के आधार पर बिहार को एग्रो यानी कृषि, क्लाइमेट यानी जलवायु, कृषि और जलवायु के आधार पर बिहार को तीन जोन में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट। बिहार हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री जोन्स और ये तीन जोन को हम लोग एग्रो क्लाइमेट जोन या कृषि जलवायु क्षेत्र कहते हैं। इसको हम लोग ये मैप आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज डू लेट मी नो, ये मैप दिख रहा है। चलिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु जोन कह लीजिए या क्षेत्र कह लीजिए, तो रेनफॉल वर्षा के आधार पर, टेम्परेचर तापमान के आधार पर, सॉयल मिट्टी या मृदा के आधार पर, और टेरेन या भूमि के आधार पर, वर्षा ज्यादा उत्तरी बिहार में होती है, तो रेनफॉल या वर्षापात के आधार पर, टेम्परेचर यानी तापमान के आधार पर, सॉयल यानी मृदा के आधार पर, टेरेन यानी भूमि के आधार पर बिहार को तीन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है, तीन कृषि जलवायु क्षेत्र में या तीन कृषि जलवायु जोन में इसको विभाजित, बिहार को विभाजित किया गया है। अब देखिए तीन जोन क्या क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं, तो ये आप देखिए, ये जो गुलाबी भाग देख रहे हैं ये है नॉर्थ वेस्टर्न अलूवियल प्लेन, उत्तरी पश्चिम जलोढ़ क्षेत्र या जोन, ये जो पीला भाग देख रहे हैं ये है नॉर्थ ईस्टर्न अलूवियल प्लेन, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र, और ये नीचे का भाग जो देख रहे हैं, ये नीचे का भाग ये है साउथ अलूवियल प्लेन्स या दक्षिण जलोढ़ क्षेत्र या जोन। तो वर्षापात के आधार पर, तापमान के आधार पर, भूमि के आधार पर, सॉयल या मिट्टी या मृदा के आधार पे बिहार को तीन एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। बिहार हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री एग्रो क्लाइमेट जोन्स। बिहार को तीन कृषि जलवायु जोन या क्षेत्र में बांटा गया है। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस प्लीज स्टूडेंट्स, यदि एनी क्वेश्चन प्लीज, कोई क्वेश्चन प्लीज स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो पूछिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस, चलिए एनी क्वेश्चन। अब हम लोग बिहार को
अलग तत्व से, दूसरे एक तत्व से, दूसरे एक दृष्टिकोण से, दूसरे एक आयाम से, दूसरे एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो बिहार जो है आपका लैंड लॉक स्टेट है, याद रखिएगा, बिहार जो है इट इज अ लैंड लॉक स्टेट, बिहार इज अ लैंड लॉक स्टेट। इसको हिंदी में आप लोग जो भी पहले बोलते होंगे वो सब को अपने सीपीयू से मिटा दीजिए, अपने दिमाग से जो भी पहले इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते थे हिंदी मीडियम के बच्चे, सब चीज हटा दीजिए, क्योंकि इसका सही शब्द है जो सरकारी दस्तावेज में इस्तेमाल होता है वो है समुद्र विहीन, समुद्र तट विहीन राज्य, लैंड लॉक स्टेट को हिंदी में सरकारी दस्तावेजों के अनुसार समुद्र तट विहीन राज कहा जाता है, समुद्र तट विहीन राज कहते हैं, राइट, समुद्र तट विहीन राज। अब देखते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो बिहार इज अ लैंड लॉक स्टेट, बिहार जो है समुद्र तट विहीन राज है, और बिहार में भारत की जितनी भी जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में रहती है ना, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे रिसाइड इन बिहार। तो बिहार की, भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या जो है बिहार में रहती है, लेकिन भारत में जितने भी कृषि युक्त भूमि है, आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, भारत में जितने भी कृषि युक्त भूमि है उसमें से सिर्फ 3.8% ही बिहार में है। तो देखिए दोनों में गैप, जनसंख्या का 8.6% और कृषि युक्त भूमि का 3.8%। आपको इस पॉइंट को बताना होगा, क्योंकि छोटे से लैंड में, यदि छोटे से भूमि पे बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यू विल हैव अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और आपको ये कॉन्क्लूजन आपको रहना चाहिए आपके पास। इस फैक्ट, यदि ये कॉन्क्लूजन हमारा सही है तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार, बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है वो है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। बिहार के जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा है, आप इसमें दिल्ली ना जोड़े, क्योंकि हम लोग राज की बात कर रहे हैं। यदि भारत के सारे राज देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, डोंट इंक्लूड दिल्ली, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट India's बिहार has the maximum population density in India. तो राज्य के आधार पर बिहार में भारत की तुलना में, भारत देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके बिहार में ही है, और वो है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, तो वो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये समझ में आया स्टूडेंट्स?
इस तथ्य को भी आपको इस्तेमाल करना है कि आबादी कितना है भारत का बिहार में, कृषि युक्त भूमि कितना है बिहार में भारत का, और जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, क्योंकि ये भी एक आपके ये भी एक चुनौती है, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किए हैं उसमें कमेंट्स नहीं आया, अभी तक जो हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि जो भौगोलिक रूप से, जो जनसंख्या के आधार पर, जो आपके ज्योग्राफी के आधार पर, जो भी हमारा डिस्कशन है, बिहार में क्या क्या चुनौतियां हैं, बिहार में क्या क्या चैलेंजेस है, कमेंट, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है बिहार में वो है राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। अब एक आईएएस की तरह, एक अधिकारी की तरह आपके पास कुछ मुद्दे हो गए, कुछ आपके पास पॉइंट्स हो गया जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में चुनौतियां क्या क्या हैं, वो है बढ़ती हुई आबादी, दूसरा क्या है लिमिटेड एरेबल लैंड, लिमिटेड एरेबल लैंड यानी सीमित कृषि युक्त भूमि, तीसरा क्या है फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स मतलब बटे हुए जोत, बटे हुए जोत कहने का मतलब है कि यहां पे जो भूमि है वो खुद सीमित है, लिमिटेड है, और वो भी काफी आपस में बंटवारा हुआ है। तो यदि आप कोई तकनीक लगाते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारी व्यवहारिक परेशानी है कि छोटे छोटे जोत में आराम से, यदि ट्रैक्टर भी आप आराम से नहीं चला पाएंगे, यदि बहुत बड़ा खेत हो तो उसमें आप ट्रैक्टर आराम से चला पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे जो खेत होते हैं, जो छोटे छोटे जोत होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी तकनीक इस्तेमाल करने में अपने आप एक चुनौती है, अपने आप एक परेशानी है। तो तीसरी चुनौती जो है बढ़े बटे हुए जोत, तीसरा है, चौथा है हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो लागत सामग्री है कृषि में लगता है उसकी उच्च लागत, यानी लागत की उच्च लागत, और एरेटिक रेनफॉल, आपके यहां जो बारिश है, आपके यहां जो बारिश है वो एरेटिक है, एरेटिक यानी कि अनियमित वर्षा, अनियमित वर्षा, और फ्लड्स बाढ़ और लैंड डिग्रेशन भूमि क्षय। तो अभी तक के डिस्कशन के आधार पर अब आपके पास बिहार की कुछ चुनौतियां सामने आती है जिसका कि समाधान ढूंढना है। वो क्या है, बढ़ती हुई आबादी यानी राइजिंग पॉपुलेशन, दूसरा है सीमित कृषि युक्त भूमि लिमिटेड एरेबल लैंड, तीसरा है फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स बटे हुए जोत, चौथा है हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो आप कृषि को तकनीकी रूप से विकसित करना चाहते हैं उसमें जो लागत लगती है उसकी उच्च लागत, उच्च उसका दाम, एरेटिक रेनफॉल, वर्षा, बिहार की वर्षा अनियमित है, अनियमित वर्षा, कोई शेड्यूल से यह बारिश यहां नहीं होता है, और बाढ़, आप देख रहे हैं उत्तरी बिहार बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, फ्लड प्रोन एरिया है, ये भी एक चुनौती है, आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, और अंतिम में लैंड डिग्रेशन भूमि क्षरण, जो आप प्राकृतिक कारणों से भूमि का क्षरण हो रहा है,
या आप उर्वरक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो है लैंड की भी गुणवत्ता जो है कम होते जा रही है। तो ये सब जो है आपके पास चुनौती है। ये सब चुनौती को ही आप समाधान देंगे तो अपने आप आपका कृषि का विकास बिहार में हो जाएगा। लेकिन यह हमारा मुख्य कॉन्क्लूजन नहीं है, ये तो समाधान ढूंढना है। ये समाधान ढूंढेंगे तो आपके यहां एक समग्र विकास हो सकता है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब सवाल उठता है कि हम लोग कृषि में किस क्षेत्र से चालू करें, और इसको देखने के लिए हम लोग को डाटा देखना पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग को डाटा देखना पड़ेगा। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में डाटा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो डाटा पे आपको जोर देना ही है। तो ये चूंकि मेंस के लिए है, ये डाटा देखना जरूरी है। चलिए अब हम लोग अब ये डाटा देखिए आप लोग। अब हम लोग ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सकल राजकीय मूल्य वर्धन। सकल राजकीय मूल्य वर्धन, राइट। अब हम लोग ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राजकीय मूल्य वर्धन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सकल राज मूल्य वर्धन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोग फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं कि जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड या जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। मतलब सकल मूल्य वर्धन आपका सकल राज घरेलू उत्पाद प्लस उसमें जो भी आपका सब्सिडी मिलता है और उसको माइनस कर करेंगे तो आपको जीएसवीए या जीवीए निकल जाता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहने का मतलब कि कोई भी कच्चे माल को है उसमें क्या करते हैं कि ताकि उसके मूल्य में, एक लकड़ी है उसका फर्नीचर बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, तो उसके मूल्य में वर्धन हो जाता है। तो इस डाटा पे देखेंगे हम लोग, और डाटा लिया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डाटा है, ये बिहार सरकार का डाटा है। और ये डाटा जो लिया गया है कॉन्स्टेंट प्राइस पे लिया गया है। कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब एक बेस ईयर, एक मानक वर्ष ले लिया गया है और उस मानक वर्ष के आधार पर आगे के वर्षों को तुलना किया गया है एट कॉन्स्टेंट प्राइस। ये फाउंडेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे इस कॉन्सेप्ट को, आप उस कॉन्सेप्ट को इसमें लगाइए। फिलहाल इतना ही समझिए कि एट कॉन्स्टेंट प्राइस जो है का मतलब है कि एक बेस ईयर इसमें लिया गया है, उसके आधार पर जो है मूल्य को देखा गया है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कृषि और कृषि के सहवर्ती क्षेत्र, ये डाटा हमारा 2013-14 से लेके ये 2018-19 तक है। ये लेटेस्ट डाटा है बिहार सरकार का, ये बीपीएससी में बहुत काम देगा। 2018-19 और 2013-14 करीब 6 साल का, ये 6 वर्षों का ये डाटा है। तो कृषि और कृषि के सहवर्ती क्षेत्र में देखेंगे कि सकल राजकीय मूल्य वर्धन में
कृषि और सर्वती क्षेत्र का 2013-14 में इसका जो योगदान था 22.8% था, 2018-19 में यह घट के 19.3% हो जाता है। उसी तरह फसल देखेंगे, क्रॉप्स, तो इसका योगदान 2013-14 में सकल राजकीय मूल्य वर्धन में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में 14.14.2% था, 14.2%, और 2018-19 में घट के ये 10.6% हो जाता है। लाइफ स्टॉक पशुधन 2013-14 में 5.4 है और ये 2018-19 में 5.6%, यहां पे हम लोग बढ़ोतरी देख रहे हैं। अब आप फॉरेस्ट्री देखिए, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, जिसको कि वन एवं कास्ट कहते हैं, इसका योगदान 2013-14 में 1.7% था और 2018-19 में ये 1.6% जो है घट जाता है। आपका फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फिशिंग को हिंदी में इसको मत्स्य खेत और जल कृषि देखेंगे तो इसका जो 2013-14 में 1.6% था, 2018-19 में ये 1.5% हो जाता है। आपको निष्कर्ष में पहुंचने के लिए जो है डाटा की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो इस डाटा के हिसाब से हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष निकालते हैं कि 2013-14 में कृषि का योगदान सकल राजकीय मूल्य वर्धन में, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में भी 14.2% था। तो इसका मतलब है कि यदि घटा तो किस किस कारण से घटा, और किस किस कारण से घटा वो हम लोग पहले देख चुके हैं बिहार की चुनौतियों में। दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो है फसल का योगदान 2013-14 में 14.2% था, अब घट के ये 10.6% 10.6% हो गया है, तो कमा है, तो उसके कारण को आप देखेंगे। तीसरा चीज है आपका लाइफ स्टॉक पशुधन जिसका 2013-14 में योगदान 5.4% था, 5.4% था, 2018-19 में आके वो 5.6% हो गया, यानी पशुधन जो है ये बढ़ा है, पशुधन बढ़ा है। दूसरा है आपका जो है मत्स्य खेत यानी फिशरीज और एक्वाकल्चर यानी कि जल कृषि, इसका देखेंगे तो 1.6% 2013-14 में था और 1.5% ये आपका जो है 2018-19 में है। तो इसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि कहां से हम लोग को चालू करना चाहिए ताकि बिहार में कृषि जो है व्यवस्थित भी हो जाए और बिहार में कृषि जो है वो आपका जो है एक विकास मूलक रणनीति से आगे बढ़े। तो ये हमारा निष्कर्ष का बिंदु होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में निष्कर्ष देखते हैं। तो यदि हम लोग स्टूडेंट्स सकल राज मूल्य वर्धन में हम लोग पिछले 6 वर्ष का डाटा देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमारे पास आता है। पहला निष्कर्ष ये आता है कि कृषि का योगदान जो है 22.8% से लेके ये जो है 19.3% हो गया। ये कमा तो इसका हम लोग को कारण देखना होगा, इसका हम लोग को रीजन देखना होगा, ठीक है। और 2018-19 का हम लोग डाटा देखें, 2018-19 का जीएसबीए का डाटा देखें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का डाटा देखें,
सकल राजकीय मूल्य वर्धन का डाटा देखेंगे तो लाइव स्टॉक जो लाइव जो सॉरी जो आपका क्रॉप सेक्टर है, जो आपका जो है फसल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा योगदान जो है फसल क्षेत्र का हुआ। हम लोग कृषि का योगदान कम हुआ, लेकिन कृषि को यदि हम लोग बांटते हैं 2018-19 में तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा योगदान जो है फसल का हुआ, फसल क्षेत्र का हुआ वो 10.6%। और कहने का मतलब है कि इसमें भी संभावना है कि आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा देखें कि जो सबसे कम योगदान रहा 2018-19 में वो था आपका फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का, यानी मत्स्य खेत। मत्स्य पालन गलत शब्द है, मत्स्य खेत इस्तेमाल कीजिएगा, मत्स्य खेत। ये आपका मत्स्य खेत ये शब्द होना चाहिए। तो मत्स्य खेत और जल कृषि का सबसे कम योगदान था, वो था आपका 1.5%। तीसरा हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं आपके 2018-19 में कि पशुधन लाइव स्टॉक का जो 2013-14 में 5.4% था वो 2018-19 में बढ़ के 5.6% हो जाता है। तो इसके आधार पे कृषि में तीन महत्वपूर्ण हम लोग को क्षेत्र दिखाई देता है। पहला क्षेत्र दिखाई देता है फसल। फसल में सही तकनीक लगाने से और लोगों को जागरूक करने से ये बढ़ सकता है। दूसरा है आपका मत्स्य खेत यानी फिशिंग, इसमें भी तकनीक लगाने से चूंकि ये पहले इसका योगदान ज्यादा था अब कम हो गया है, कम होने का कारण ढूंढेंगे और फिर उसमें तकनीकी और सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरा क्षेत्र हो जाता है आपका जो है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। और तीसरा क्षेत्र जो है जो अपने आप के योगदान में वृद्धि दिखाया है वो है आपका लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि फसल क्षेत्र, क्रॉप सेक्टर, लाइव स्टॉक, पशुधन क्षेत्र और तीसरा मत्स्य खेत, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जल कृषि, इन चार क्षेत्र पे यदि हम लोग अपने आप को फिलहाल केंद्रित रखें क्योंकि संसाधन सीमित है तो हमारे पास एक अच्छी रणनीति बन सकती है। तो ये स्टूडेंट हुआ आज के स्टडी का हमारा कंक्लूजन, क्योंकि अब हमारे पास जो रणनीति बनाना है इट शुड बी स्टेबल, है ना, वो टिकाऊ होना चाहिए। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, टिकाऊ खेती, लाभकारी खेती, प्रॉफिट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार जो है कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए क्या क्या उपाय की। स्टूडेंट्स, जो भी आज हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन के आधार पे ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, फाउंडेशन में जो आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, फाउंडेशन का जो नदी तंत्र पढ़े हैं उसके हिसाब से आप बिहार की कुछ चुनौतियां, बिहार में कुछ चैलेंजेस देखते हैं, जैसे कि बड़ी आबादी, एराटिक रेनफॉल, है ना, अनियमित वर्षा, मृदा का क्षरण। तो ये सब जो है इसके आधार पर, ये चुनौती के आधार पर और डाटा के आधार पर आप एक निष्कर्ष निकाल दिए कि एक आईएएस अधिकारी की तरह, एक एडीएम की तरह, एक एसडीएम की तरह, एक रेवेन्यू और राजस्व अधिकारी की तरह, बिहार के इंपॉर्टेंट ऑफिसर की तरह आपको यदि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो कहां से आप चालू करेंगे। तो हमारा अंतिम निष्कर्ष यही है आज के इंट्रोडक्शन का, आपके आंसर का भी इंट्रोडक्शन में निष्कर्ष यही रहना चाहिए कि हम लोग क्रॉप्स यानी फसल, लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन और तीसरा मत्स्य खेत यानी कि फिशरीज और चौथा एक्वाकल्चर यानी कि जल कृषि
को बढ़ावा देना चाहिए। इसका तर्क यह है कि 2018-19 का डाटा को यदि हम लोग 2013-14 का डाटा से कंपेयर करें, पिछले 6 वर्षों के डाटा से इस्तेमाल करें, तो फसल और आपके मत्स्य खेत, मत्स्य पालन, फिशरीज में कमी आई है, इसके योगदान में कमी आई है, चाहे वो जीएसडीपी हो चाहे वो जीएसवीए हो। तो इस कमी का कारण देखेंगे और इसका मतलब, यदि कमी का कारण मिलता है तो हम लोग को वृद्धि की संभावना मिलती है। यदि कुछ पहले था, कुछ पहले ज्यादा था, कम हो गया, इसका मतलब यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। क्यों कमी हुई? यदि कमी होती है, उस कमी का आप समाधान ले लेते हैं, तो अपने आप इसमें आपका अवसर मिल जाता है कि कैसे इसको वृद्धि को साकार करें। और तीसरा जो है लाइफ स्टॉक, आप देख रहे हैं कि पशुधन का योगदान 2018-19 में बढ़ गया है, तो 2018-19 में बढ़ने के कारण इसको आगे भी और बढ़ाया जा सके, तो ये 3 क्षेत्र पे, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, क्रॉप्स पे और लाइफ स्टॉक पे या पशुधन पे आपका ध्यान केंद्रित होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे वो मंडे को, ठीक है। सो इस डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, विल टेक अनदर 2 to 3 सेशंस मोर टू कंप्लीट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर द डे।